वहीं न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है, सुनिए। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या माहौल लग रहा है? पहले चरण की वोटिंग हो गई और अमित शाह जी ने आज परिणाम भी बता दिया कि सभी 12 की 12 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। माहौल देख लिया, कितना उत्साह है सभी में, जवानों में, बहन बेटियों में, किसानों में। और ये तो वो सीट रही है जो पिछला चुनाव 6,12,000 से जीती है। यहाँ के लोगों ने तय किया है कि उसको लीड को आगे बढ़ाएंगे। और जो गृहमंत्री जी कह के हैं गए हैं, उनका असेसमेंट अब तक तो कभी गलत गया नहीं। जो मुंह से निकाला मोदी जी ने और गृहमंत्री जी ने, उस समय इनकी जबान पे सरस्वती विराजमान हो जाती है। तो 12 सीटों की कह गए, 12 के 12 जीतेंगे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी हर जनसभा में एक बात को जोर शोर से उठाते हैं कि कांग्रेस के लोग गुमराह कर रहे हैं दलितों को, आदिवासियों को, और कहा जा रहा है कि अगर मोदी जी 400 पार हो गए तो फिर आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा। एससी और जाति और तुष्टिकरण पे कांग्रेस लोगों को लाना चाह रही है। आपको पता है पहले अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने एससी का आरक्षण बढ़ाया। 2019 में मोदी जी ने 2029 तक आरक्षण बढ़ा दिया। फिर आरक्षण खत्म करने की बात कहां से आ गई? केवल बहकाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। खुद संसद में मोदी जी ने भाषण दिया था जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया था, पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था कि मैं आरक्षण तो होना ही नहीं चाहिए और नौकरियों में तो कैसे भी आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये ऑन दी रिकॉर्ड है संसद के पे। ये तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और जयपाल मुंडा जैसे ट्राइबल और एससी के बड़े लीडर हुए थे जिनके कारण ये आरक्षण एससी को देश में मिला है। और बाड़मेर में खुद प्रधानमंत्री जी ने कह दिया अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर भी इस धरती पर आ जाएं तब भी आरक्षण को खत्म करने वाले नहीं है, संसद से संविधान से छेड़खानी करने वाले नहीं। अब इससे बड़ी और क्या बात होगी? देश का प्रधानमंत्री कह रहा है जिसकी गारंटी पूरी दुनिया मानती है, जो मोदी कहता है वो करता है, मोदी है तो मुमकिन है। कल जो वोटिंग परसेंट है उसको लेकर कांग्रेस बड़ी उत्साहित हो रही है और कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि ये जो वोटिंग परसेंट है ये उसके फेवर में है। आपको क्या लगता है कम वोटिंग परसेंट बीजेपी के पक्ष में? मेरे जो इलाके में 6 संसदीय सीटों पर घुमा हूँ, आज से द्वितीय चरण के, ये मेरे को यहाँ बुलाया गया था, मैं यहाँ आ गया, कल कोटा रहूंगा। ये वो गाँव के लोग हैं एससी के, ये परसेंटेज गिरने का कारण यही निकलेगा जिनको बहकाया गया और वो कन्फ्यूजन में वोट देने नहीं गए, उससे कांग्रेस को ही नुकसान है। जो बहकाए वो वोट देने के लिए तैयार नहीं हुए, बीजेपी वाले वोट देंगे, सीट जीतेंगे, यही भी निकलेगा।